अराउंड द वर्ल्ड की शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले बात करेंगे दुनिया में टैक्स चोरी को लेकर अब तक हुए सबसे बड़े खुलासे की, जिसमें भारत समेत कई देशों के लोगों के नाम शामिल हैं। 500 से ज्यादा लोगों की इस लिस्ट में कई देशों के मौजूदा और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों को तक के नाम शामिल हैं। हम आपको दिखाते हैं आखिर वो कौन कौन से बड़े नाम हैं जिन्होंने टैक्स बचाने के लिए मोटी रकम टैक्स हेवन देशों में इन्वेस्ट की है। भारत से की अगर हम बात करें तो बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने टैक्स बचाने के लिए कंपनी के जरिए पनामा में इन्वेस्टमेंट किया, तो वहीं लिस्ट में बच्चन परिवार की बहू और मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय का नाम भी शामिल है। लिस्ट में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी नाम शामिल है, जिनके जरिए उनके करीबियों ने फायदा उठाया। तो वहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की फैमिली ने टैक्स बचाने के लिए कंपनियों में इन्वेस्ट किया। इसी तरह पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो देश और साथ ही साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जाने माने फुटबॉलर लियोनेल मैसी और इजिप्ट के पूर्व राष्ट्रपति होसनी मुबारक ने भी टैक्स बचाने के लिए टैक्स हेवन देशों में पैसा इन्वेस्ट किया। इस मसले में भारत सरकार ने कड़ा रुख दिया और उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कैसे पुतिन आरोपों में घिरे, कैसे नवाज शरीफ की फैमिली ने इन्वेस्टमेंट किया और कैसे मंदी की आड़ में आइसलैंड के पीएम ने मोटी रकम का वारा न्यारा किया। इन चेहरों को दुनिया जानती है, इनमें से कोई किसी देश की सत्ता संभालता है तो किसी का डर पूरी दुनिया मानती है, कोई दिलों पर राज करता है, हर किसी का अपना पेशा है, लेकिन इन सब के बीच एक समानता है कि हर कोई पैसा कमाना, बचाना और छिपाना जानता है। पनामा लीक्स के तहत हुए खुलासे के मुताबिक, चाहे वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हो या फिर मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति हुस्ने मुबारक, हर किसी ने लीगल फर्म मोसेक फोनसेका के जरिए पनामा समेत तीन देशों में टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया। लीक हुए टैक्स डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि कैसे दुनिया भर के 140 नेताओं और सैकड़ों सेलिब्रिटीज ने टैक्स हेवन कंट्रीज में पैसा इन्वेस्ट किया। शेडो कंपनियां, ट्रस्ट और कॉरपोरेशन बनाए गए जिनके जरिए टैक्स बचाया गया। लीक हुए डॉक्यूमेंट्स खास तौर पर पनामा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और बहामास में हुए इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं। सवालों के घेरे में आए लोगों ने इन देशों में इन्वेस्टमेंट इसलिए किया क्योंकि यहां टैक्स रूल्स काफी आसान है और क्लाइंट की आइडेंटिटी का खुलासा नहीं किया जाता। पनामा में ऐसी 3.5 लाख से ज्यादा सीक्रेट इंटरनेशनल बिजनेस कंपनियां हैं। अब आपको बताते हैं कि दुनिया भर के कई नेता क्यों सवालों में घिरे। बात रूसी राष्ट्रपति पुतिन की करें तो जांच करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पुतिन का नाम सीधे तौर पर इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन उनके बेहद करीबियों ने फर्जी कंपनियों के जरिए करीब $2 बिलियन का टैक्स बचाया। इतना ही नहीं, पुतिन के कारोबारी दोस्त का नाम भी इस लिस्ट में है। वहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बेटों हुसैन और हसन के अलावा बेटी मरियम ने टैक्स हेवन माने जाने वाले ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में कम से कम 4 कंपनियां शुरू की। इन कंपनियों से शरीफ के बेटे बेटी ने लंदन में 6 बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदी। शरीफ फैमिली ने इन प्रॉपर्टीज को गिरवी रखकर डॉयचे बैंक से करीब 70 करोड़ रुपए का लोन लिया। इसके अलावा दूसरे 2 अपार्टमेंट खरीदने में बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने मदद की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी फैमिली का भी पनामा के बैंक से कुछ लिंक है। वैसे तो जिनपिंग ने चीन में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रखी है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के पास बेहिसाब दौलत बताई जाती है। वहीं कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान आइसलैंड के पीएम ने करोड़ों रुपए के बैंक बॉन्ड्स खरीदे थे। यही वजह रही कि खुलासे के बाद जब आइसलैंड के पीएम से पनामा लीक्स पर सवाल पूछा गया तो वो इंटरव्यू के बीच से भाग गए। इसके अलावा मिस्र के पूर्व तानाशाह हुस्ने मुबारक, लीबिया के पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी और सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद की फैमिली का जिक्र भी इन डॉक्यूमेंट्स में है, पसंद नहीं आ रही है। जबकि पनामा सरकार ने कहा है कि वो संधि की डील्स को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलती है और अगर कोई देश कानूनी तौर पर जांच करेगा तो वो उसकी मदद करेगी।
इंटरनेशनल डेस्क इंडिया 24/7। तो पनामा लीक्स के खुलासे के मुताबिक कई देशों के राजनेताओं कारोबारियों ने टैक्स हेवन देशों में पैसा लगाया और उसमें मदद ली कि यहां पर लॉ फर्म मोसाक फोंसेका ने। इस लिस्ट में भारत के भी करीब 500 ऐसे लोगों के नाम हैं जिन्होंने टैक्स हेवन देशों में पैसा लगाया। थोक के भाव कंपनी खोलने और बेचने के लिए दुनिया भर में कुख्यात पनामा की एक लॉ फर्म मोसाक फोंसेका से गुप्त पहचान पर कंपनी खोलने और खरीदने वालों की एक लिस्ट लीक हुई है। इस लिस्ट में 500 से ज्यादा भारतीयों के नाम शामिल हैं। इनमें अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, डीएलएफ के प्रमोटर केपी सिंह, उद्योगपति गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी, इंडिया बुल्स के प्रमोटर समीर गहलोत और अपोलो टायर्स के प्रमोटर समेत तमाम कई बड़े नाम शामिल हैं। इन दस्तावेजों से ही पता चला है कि अपनी संपत्ति को छिपाने के लिए दुनिया के ताकतवर लोग टैक्स चोरी करते हैं और उस तरह के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिससे उन्हें टैक्स कम भरना पड़े। इस खुलासे के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ब्लैक मनी रखने वालों को एक बार फिर कड़ा संदेश दिया है। पनामा में भारतीय मूल के कुछ लोगों के कुछ बैंक खाते हैं, कुछ साधन पड़े हैं, इसके संबंध में एक इन्वेस्टिगेशन छपा है। इन तमाम खुलासों का और विशेष रूप से जो आज हुआ है, मैं स्वागत करता हूं, आई वेलकम इट। वित्त मंत्री के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस मामले की जांच के लिए कहा है। पीएम के निर्देश पर सीबीडीटी आरबीआई के साथ मल्टी एजेंसियों का एक ग्रुप बना दिया गया है जो इसकी निगरानी करेगा। मल्टी एजेंसी ग्रुप जिसमें सीबीडीटी, सीआईयू, एफआईयू और आरबीआई ऐसे कई संस्थाओं के जिसका वित्त मंत्रालय से संबंध है और इस विषय से संबंध है, उस मल्टी एजेंसी ग्रुप को बनाया है जो इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेगी और मंत्रालय को भी और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी इसकी जानकारी देगी। अब सवाल ये कि क्या इस खुलासे के बाद ब्लैक मनी के खिलाफ मुहिम पर असर पड़ेगा? पनामा में इस कंपनी खोलने के लिए पांच मिनट का काम होता है। मॉरिशस में भी ऐसा है, मकाऊ में भी ऐसा है, हांगकांग में भी ऐसा है। तो धीरे धीरे पनामा में आज हो गया है। आज अनुकूल वातावरण दुनिया में इसीलिए है क्योंकि आतंकवादियों की जो पैसा है उसको रोकने के लिए अमेरिका पूरा बल लगा रही है। उसके एक परिणाम ये है कि जो बैंक अकाउंट्स हैं आसानी से मिल सकती है। अभी तक जो वित्त मंत्रालय कर रही है वो तो फीका है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। That there are three kinds of people there, I'm told. One, where the money is legitimate. The second, where it may not be technically legitimate, but they've sent it under this government scheme of $250,000, this and that, and maybe they have informed the RBI or not, I don't know. And third is which is downright illegal bad money, and those guys should better be punished and sent to jail. नहीं देखिए देखिए अगर इस illegal money कानून जरूर बदलने नहीं चाहिए। जो जो हो अगर वो illegally money पार्ट किया बाहर उसका वो फेस करना ही पड़ेगा, लॉ फेस करना पड़ेगा। कानून कभी नहीं बदलना चाहिए, कानून सबके लिए एक ही होना चाहिए। बिकॉज इफ यू हैव डन समथिंग इलीगल यू हैव टू पे फॉर इट, देयर इज नो एस्केप। इन दस्तावेजों की जांच 100 से भी ज्यादा मीडिया समूहों ने की है और इसे इतिहास की सबसे बड़ी जांचों में से एक करार दिया गया है। इस जांच में लगभग 140 राजनीतिक हस्तियों की संपत्ति से जुड़ी गुप्त सौदेबाजी को उजागर किया गया। इन राजनीतिक हस्तियों में 12 मौजूदा या पूर्व राष्ट्र प्रमुख शामिल हैं। इंटरनेशनल डेस्क इंडिया 24/7। उधर जानकारों का मानना है कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ फेमा और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। सियासी दलों ने भी एक सुर में जांच और कार्रवाई की मांग की है। ब्लैक मनी के पनामा रूट के खुलासे से बॉलीवुड औद्योग जगत से लेकर सियासी जगत तक हड़कंप है। बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर वामपंथी, सभी एक सुर में मामले की जांच और सच को सामने लाने की मांग कर रहे हैं। सियासी दल आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की भी बात कह रहे हैं। ऐसा है, पनामा लीक में अनेक इंडियन के नाम सामने आए हैं। वास्तव में ये सब पूरी सिस्टम के ध्यान में है। आने वाले पार्लियामेंट सेशन
जो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है, ये मामला मैं लोकसभा में उठाऊंगा। नामा से जो कागज आए हैं वो कथाकथित तौर पर ये बताते हैं कि किस रास्ते का कुछ व्यक्तियों ने या कंपनियों ने इस्तेमाल किया है अपनी दौलत को या अपने धन को या जो उस धन से एसेट्स बनाए गए थे उनको बाहर रखने का। तो इसलिए सरकार को इसकी तय पे जाने की जरूरत है। बहुत ही गंभीर मतलब न्यूज़ जो छपी है, लेकिन ये सही है या गलत है, इसके पीछे कितना तथ्य है, ये सरकार का काम है और जो हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द बताएं। ये जो काला धन का जो वायदा जो हमने सुना था जब अच्छे दिन आने वाले थे कि 15 लाख रुपए हम सबके अकाउंट में आ जाएंगे, धन वापस आएगा, 2 साल में कुछ हुआ ही नहीं। दरअसल ये मामला कानून के लूप होल का फायदा उठाने का है। मौजूदा नियमों के मुताबिक 2004 में RBI ने $25,000 तक विदेश ले जाने की इजाजत दी थी। विदेश गए पैसे से कंपनी खरीदी जाए या नहीं, इस पर RBI ने कुछ नहीं कहा। बाद में RBI ने $25,000 की सीमा बढ़ाकर $2,50,000 कर दी। 2010 में RBI ने कहा कि विदेश गए डॉलर से शेयर खरीदे जा सकते हैं। 2013 में RBI ने विदेश भेजे गए डॉलर से नई कंपनी खरीदने पर रोक हटा ली। जानकारों का कहना है कि अगर नियमों की अनदेखी करके पैसा विदेश ले जाया गया है तो फेमा के तहत मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो भी है उनकी परमिशन वगैरह नहीं ली गई है। मेयर इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंपनीज विद इन द परमिसेबल लिमिट, उसका कोई ऑफेंस नहीं है उसमें। लेकिन अगर सपोज जैसे ऐसा रूट होके आया है पैसा या वहाँ कंपनीज बनाई गई है फॉर द पर्पज ऑफ शोइंग जनरेशन ऑफ फंड्स, तो दैट इज इलीगल, तो उसमें फेमा भी लगता है, उसमें इनकम टैक्स अथॉरिटीज का भी होता है। ब्लैक मनी पर मोदी सरकार का रुख पहले दिन से ही बेहद सख्त है, लेकिन पनामा लीक्स ने बड़े बड़े नामों के खुलासे के बाद सरकार के सामने अब कार्रवाई की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।